गोरख धंधे की आड़ में मासूमियत छिप रही है। लाख बंदिशों के बावजूद खुलेआम शराब बिक रही है। जहरीला व्यापार करते इन मासूमों का क्षेत्र वही है जहां सीएम नीतीश ने शराब पूर्ण बैन की बात कही है। कटिहार रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल पर खुलेआम शराब बेचते बच्चों के बारे में विस्तार से आपको अवगत कराएं, उससे पहले इन तस्वीरों को गौर बख्श देखिए। जिस उम्र में हाथ में होनी चाहिए किताब, उस उम्र में ये मासूम बेच रहे हैं शराब। अगर शराब बेचते इन बच्चों को रोकने या इसका वीडियो बनाने की आप जहमत कीजिएगा तो आप पर ये पत्थर फेंक कर हमला भी बोल सकते हैं। और भी ज्यादा हैरानी वाली बात यह है कि इस गोरख धंधे को रेलवे स्टेशन के पास अंजाम दिया जा रहा है इन मासूमों के जरिए, और ये मासूम खुद नशे में धुत भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर कटिहार बरौनी रेलखंड की है। जानकारी के मुताबिक रेल प्रशासन की मिली भगत से खुलेआम यहां शराब बिकती है। उधर इस मसले को लेकर जब उत्पाद विभाग के अधीक्षक से सवाल किया गया तो वो बचाव में बोले कि नीरा प्रतिबंधित नहीं है जबकि ताड़ी पर बैन है। नीरा के लिए अनुमति दी जाती है, ताड़ी प्रतिबंधित है। फिलहाल इन तस्वीरों के वजूद में आने के बाद मामला उच्च स्तरीय जांच के हवाले है। जांच के बाद सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। अच्छा ठीक है, मामला आपने हमें संज्ञान में दिया, हम अपनी टीम द्वारा चेक करवा लेते हैं कि कहां इस तरह की कार्रवाई हो रही है, और रेलवे प्रशासन से भी संपर्क हम कर लेते हैं कि उसमें ऐसी कार्रवाई अपेक्षित है, और मिलकर के फिर हम कार्रवाई करेंगे। जिला अंतर्गत मद्य निषेध के सफल क्रियान्वयन हेतु उत्पाद विभाग कटिबद्ध है। बरौनी से चलने वाली ट्रेनें जब कटिहार गोशाला गुमटी के समीप रेलवे आउटर पर रुकती हैं, तो छोटे छोटे बच्चे हाथों में प्रतिबंधित ताड़ी लेकर 30 रुपए प्रति बोतल की आवाज लगाते हुए नजर आते हैं। इस शराब के जहरीला होने की भी 100% गुंजाइश हो सकती है। यह अवैध गोरख धंधा करने वाले बच्चे इतने शातिर होते हैं कि किसी ने वीडियो या फोटो लेने की कोशिश की तो पत्थर मारकर उन्हें घायल भी कर देते हैं। फिलहाल कटिहार एक्साइज विभाग की ओर से इस मसले पर सख्त कार्रवाई का हवाला दिया गया है। अब फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा सहज ही लगाइएगा कि जिस नीतीश राज में पूर्ण शराबबंदी का दम भरा जाता है, वहां सरकारी दफ्तरों के पास ही ये आलम है, तो रिहायशी इलाकों के पास अवैध शराब की उपलब्धता कितनी आसान होगी। इस परिदृश्य में शराब बैन का सरकारी दावा कोरा नजर आने लगता है, और सीएम नीतीश का हर दावा महज औपचारिक। न्यूज़ लाइव डेस्क कटिहार।